अक्सर सुविधा सेंटर में काम करवाने के लोगों को कई चक्कर लगाने के बाद और अधिकारियों की बेरुखी देखने को मिलती है। ऐसा ही मामला पठानकोट के पटेल चौक में स्थित सुविधा केंद्र में सामने आया है, जहां दो दिन से अपने बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करवाने आए एक व्यक्ति ने कहा कि सुविधा सेंटर में बैठे मैडम ने उन्हें पिछले कल अगले दिन सुबह 10 बजे आने को कहा था और वह जब सुबह वहां पर पहुंची तो एक घंटे तक उनको बैठा कर रखा गया। तो जब उनसे पूछा गया कि कितना समय लगेगा तो वहां बैठी मैडम ने कहा कि इंतजार करना है तो ठीक, नहीं तो आप यहां से चले जाइए। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि ऐसे अधिकारी जो कि आम लोगों से बदतमीजी से पेश आते हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो लोग इन सुविधा सेंटर में काम करवाने के लिए आते हैं उन्हें ज्यादा चक्कर ना लगवाएं। वहीं दूसरी तरफ वहां बैठी मैडम सपना ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सुविधा सेंटर आया से अपना बच्चे का आधार कार्ड बनवान पटेल चौक दुर्गा मंदिर के सामने इतने मैडम बैठे है, इन्होंने ना साड़ी बदतमीजी की, बदतमीजी ये की असं पूछा मैडम ये बनाना पासपोर्ट ना आधार कार्ड नवा रिलेटेड आए थोड़े को कल भी आए से पूछे पता कर लिए कहते 10 बजे आ जाओ तो अब टाइम ना आए हैं को कहते भी जो टाइम है तो बैठो नहीं तो घर जा अद्धा घंटा तो हो गया सू बैठे ऑलरेडी पूछना भी जरा इन्हों गुना है किन्ने बजे काम होएगा वो भी नहीं पूछ सकते। बस अपना आधार कार्ड ही बनाना आए से बच्चों का भी सगा फोटो का काम वो भी करवा आए ही तो इन्होंने गल ही नहीं करते सीधे मूँ। हाँ कल भी आए से मैं कल भी इन्होंने पहला पता करके गया कहते कल मैं 4 बजे आया बल्कि इनका वर्किंग टाइम है उसने भी हो सकता ही कहते नहीं फिर आए 10 बजे हूँ मैं आया 10 बजे का आया 11:30 हो गए हैं हजे तक लाइन च बैठे हुए हैं साढ़े तो पहला सिर्फ एक नंबर है दूसरा नंबर साढ़ा तो 1.5 घंटा एक बंद लगता वो जान वो काम ही नहीं कर जो भी है इन्होंने बंदी कार्रवाई की जाए तो जोड़ा है इन्होंने थोड़ा पता लगे भी काम कितना करेगा।